थोड़ा पीछे ले ना, जा जा मुर्गी जा। कहाँ से ढिल टप्पा? नहीं नहीं वो बस थोड़ा आगे से वो एक उसका है ना वैसा लेने का अपन तो वो जाते हैं। अरे पीछे रोही थोड़ा पीछे आओ पीछे। आगे कितना जाओगे? ओके मिरर पे उंगलियों के निशान लग गए थे। साफ करो उसको। निधि मैं आने बोलता हूँ। हाँ फोन बजने से वो पहले लाइन है ना, कहीं मैम का फोन तो नहीं? एक्शन फोन। आ रहा एक बार। हाँ पकड़ते हुए रुके भाई, फोन निकाल दे।
एक बार वो सेटल हो गया फिर छोड़ देना वेरी क्वाइट अब माइक ये हैंड माइक नहीं चल रहा है बोलिए क्या एक्शन यस बाय दीदी निकल जाने से निकल जाने से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ स्टॉप इट मेरी बात सुनो भाई तुम्हें पता भी है कि मैंने ये सब क्यों कर रही हूँ इशिता पापा और हाँ ले लो मेरी बात सुनो आपको पता भी है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ इशिता शगुन मामा और पापा के बीच में आने की कोशिश कर रही है उनकी शादी रोकना चाहती है वो लेकिन मैं किसी भी हालत में उनकी शादी चाहती हूँ इसलिए मैं वहां जा रही हूँ मैंने वहां पे एक फ्लैट भी देख लिया उसी बिल्डिंग में और मैं वहां कुछ दिनों के लिए पीजी बन के रहने वाली हूँ और इसीलिए मैं वहां पे कुछ दिनों के लिए रहूंगी और शगुन मामा की शादी हो जाएगी मैं वहां से निकल जाऊंगी लेकिन तब तक के लिए मुझे वहां पे रहना होगा मैम मुझे उन पर नजर रखनी होगी मुझे पता करना होगा सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए वहां उस दिन आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे इस ओरिजिनल रूप में कोई नहीं पहचान पाएगा इसीलिए तो मैं वहां लड़की बन के जा रही हूँ मैम ट्रस्ट मी मैं ये हमारे लिए ही कर रही हूँ मुझे जाने दो मैं वहां सिर्फ एक ही काम से जा रही हूँ और कुछ भी नहीं छुपे रहना चाहिए क्योंकि अगर तुम्हारी असलियत किसी के भी सामने आई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी एक बार देगा हाँ
वेल अदिति, सबसे पहले तो ये जो बदलाव आया है क्या कहना चाहेंगे, एकदम मतलब रूहान से रूही बन गई है फाइनली। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही हूँ, पर अच्छा लग रहा है कि फाइनली रूहान टू रूही कन्वर्ट हो गई, अपने ओरिजिनल रूप में आ गई हूँ। ओरिजिनल तो ये गली गली है थोड़ा सा, बट फिर भी लड़की बन गई हूँ। तो मिस तो कर रही हूँ रूहान को, क्योंकि कितने टाइम से रूहान बन के जी रही थी, अब अचानक से ऐसा अवतार देखने को मुझे मिल रहा है तो मैं खुद शौक में हूँ थोड़ी सी। वैसे इशिता के सामने रिवील हो गया ये, मतलब फाइनली कि रूहान जो है वो रूही है, मतलब ये पता चल गया है क्लियर? उन्हें तो लग रहा है फिलहाल कि मैं एक इनोसेंट सी क्यूट सी लड़की उनके डोर स्टेप पे आई है, तो ये कौन है उन्हें नहीं पता कि मैं रूही हूँ। अच्छा, मतलब ये सस्पेंस अभी अभी जारी है। हाँ जी। वैसे सुबह कुछ मारपीट वाला सीन हो रहा था रूही निधि से, काफी मार। निधि का तो काम है मारना और हमारा काम है अबला गारी की तरह सहना, पर इस बार नहीं, हमने अपनी आवाज़ उठा दी, हमने बोला सो स्टॉप इट। तो आज तो मैंने मार नहीं खाई, आज तो मैंने उनसे कह दिया कि बस भाई बहुत हो गया। तो आज तो मार नहीं खाई है, अब वहाँ से मैं लड़ झगड़ के आ गई हूँ यहाँ। ओके, लास्टली इशिता के अगेंस्ट आपने दावा बोल दिया है कि बस अब इनको हटाना ही है रास्ते से, रूही ऑन मिशन निकल चुकी है। हाँ जी, रूही का मिशन अभी यही है कि इशिता और रमन को करीब नहीं आने देना है, और शगुन मामा और पापा की शादी करा के ही छोड़नी है बस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वो मैं पीजी हूँ, मेरे मिस्टर बॉबी
सर पूरा बाहर निकलना पड़ेगा तो मुझे भी नहीं पता है क्या नाम है आपका भाई। I'm so sorry, I took the action as a please, Mr. Pope.
आइए सर। अच्छा क्या नाम है आपका? नाम तो मुझे भी नहीं बताया, क्या नाम है आपका? Thank you.
तो इस शहर में नहीं आई हूँ। किसी के साथ फ्लैट शेयर नहीं करना आप दोनों लेडीज हो तो साथ में रहेंगे, शेयर कर लेंगे तो दोनों के पैसे भी बच जाएंगे। हेलो, मुझे कोई पैसे नहीं बचाने, मैं ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ एक घर में नहीं रह सकती। तो ठीक है, पर तो फिर ठीक है, आपको मैं कोई दूसरी बिल्डिंग में आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। दूसरी इससे क्या हो गया? तो फिर ठीक है, मैं आपको किसी और बिल्डिंग में फ्लैट दिखा देता हूँ। कोई दूसरी बिल्डिंग में क्यों? मुझे इसी बिल्डिंग में फ्लैट चाहिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था। तो फिर आपने दूसरी बिल्डिंग में अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा, देख लीजिए। क्या है आप लोग के हद है, मैं आपके तो फिर मैडम आप अपना इंतजाम कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, अब जब मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ पे आ गई हूँ, आप अब जाके मुझे तो फिर मैडम आप अपना इंतजाम कर लीजिए। तो फिर मैडम आप अपना इंतजाम कर लीजिए। एक्सक्यूज मी, अब जब मैं अपना पूरा सामान लेकर यहाँ आ गई हूँ, आप अब जाके मुझे ये बता रहे हैं? नहीं, कहाँ जाएगी अभी, एक्चुअली लड़की है, अकेली है, आप क्या बात कर रहे हो? सुनो, जस्ट कूल डाउन, ठीक है, दिमाग से सोचो, तुम कहाँ जाओगे? दिल्ली शहर है, इतने रात तुम बाहर जाओगे, इज इट सेफ? नहीं ना, जस्ट बी इंटेलिजेंट, ओके? इस काम पर अभी थोड़े टाइम के लिए आ गई हूँ, कल तक ये दूसरा घर दिखा दूँगी तुमको, एंड आई वोंट ट्रबल यू। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल रखने के लिए, ओके? आई डोंट नीड एनीवन। आप वो एक लाइन है, अच्छा ठीक है, आप बकवास बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा मत बोलिए, मैं आज यहाँ मैनेज कर लूँगी, आप जल्दी से मेरे लिए कोई दूसरा घर का अरेंजमेंट कीजिए इसी बिल्डिंग में, ओके? ये लीजिए आपके पैसे,
मेरा रूम का हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा मत बोलिए, मैं आज यहाँ मैनेज कर लूँगी, लेकिन आप जल्दी से दूसरे घर का अरेंजमेंट कीजिए। ये लीजिए आपके पैसे, मेरा रूम का ये लीजिए आपके पैसे, मेरा रूम का